हाँ जी जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आपकी एग्ज़ाम की डेट्स को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। 20 अप्रैल वाली तो फेक थी, मैंने वीडियो बना दी ये वाली, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, पिछले साल की थी। लेकिन अब बात करते हैं कि इस साल आपके एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे, कब ख़त्म होंगे, कब डेट शीट आएगी, क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, उससे पहले एक गुड न्यूज़ भी आपको देनी है। आपके इस चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइज, ऐसे ही इस चैनल को बढ़ाते रहिए अगर आपको ऑथेंटिक रियल अपडेट चाहिए तो, ठीक है? और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए गाइज, अब बात कर लेते हैं आपकी उस अपडेट के बारे में जो कि आज रिलीज हुई है। आज का लेटेस्ट न्यूज़पेपर है अमर उजाला का, उसमें आप खुद भी चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वरना गाइज अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो। चलिए गाइज, अब आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज की न्यूज़ से। मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। बड़ी अपडेट, 20 अप्रैल तक तो भाई ख़त्म हो जाएंगी, मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट होकर, ठीक है? तो 20 अप्रैल वाली है उसको भूल जाओ अब, ठीक है? कभी उसके ही भरोसे बैठे रहो और सोचो 20 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, वो बिल्कुल पिछले साल की न्यूज़ थी। 20 अप्रैल तो अब ख़त्म हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। कब स्टार्ट होंगे? मार्च के लास्ट वीक में। बड़ी अपडेट आज की है ये। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रदेश भर में 10वीं में 3.5 लाख और 12वीं में 2.25 लाख विद्यार्थी देंगे परीक्षा, ठीक है? तो ये देख लो आप लोग। अब पढ़ते हैं पूरी न्यूज़ को। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह में करवाएगा। अब एक मिनट रुको, अब ये भी तो हो सकता है कि मैं आपको ये फेक न्यूज़ बता रहा हूँ, हो सकता है भाई, जैसे 20 अप्रैल वाली थी पिछले साल की, वैसे ये भी पिछले साल की हो सकती है, लेकिन नहीं, मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि ये इसी साल की है। यहां पर आप देखिए नीचे, सेशन 2021-22, ठीक है? 21-22 यानी कि यही सेशन है, ठीक है? समझ गए, हो गया प्रूव। चलिए अब पढ़ते हैं, वहीं आ जाओ फिर से ऊपर। इसको लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जल्दी ही शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। यानी कि बोर्ड का कहना है कि हमने जो है अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं एग्ज़ाम्स लेने की, ठीक है? अब देरी हो रही है तो वो कहाँ हो रही है, कुछ एक स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर अभी सिलेबस है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो करवा देते हैं मार्च के फर्स्ट वीक तक, ठीक है? उसके बाद गाइज आपके यहाँ पर जो है डेट शीट आ जाएगी, और फिर कहीं ना कहीं मार्च के लास्ट वीक के आसपास जो है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है? बीच में प्रैक्टिकल्स भी करवानी है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम भी देना है आपको सेल्फ स्टडी का, 10-12 दिन का। तो कहीं ना कहीं मार्च के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट करवाएगा हरियाणा बोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? अब किस डेट से होंगे उसका भी थोड़ा आइडिया दूंगा वीडियो के लास्ट में, बने रहो। आगे आप पढ़ोगे तो आगे बताया गया है कि भाई कोरोना आ गया था ये वो, तो ये चीज़ें पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। परीक्षा का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा, 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा मार्च के अंतिम यानी कि लास्ट और सप्ताह मतलब वीक यानी कि लास्ट वीक में आयोजित की जाएंगी, जल्दी ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बोर्ड की टीम तैयारी कर रही है। समझे इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि नकल जो है वो थोड़ी आपकी अब नहीं होगी, ठीक है? जो होती थी उससे और कम हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड की टीमें गठित की गई हैं और ये जो टीमें हैं ये नकलचियों को पकड़ेंगी, ठीक है? और मैं आपको बता भी दूं यार, आपकी जानकारी के लिए, हरियाणा बोर्ड है वो और भी एग्ज़ाम करवाता है, जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम हुआ था DLED, ठीक है? तो वो बड़ी क्लासेस का होता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे केसेस बने हैं, ठीक है? तो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सेफली रहना, ठीक है? पता चला सुबह तो माँ बाप ने अपने चिंटू को दही शक्कर खिला के भेजा था कि जा बेटा पेपर दे के आ, और वो केस ही बनवा के वापस आ रहे हैं, तो भाई केस वेस ना बन जाए, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? डरा नहीं रहा हूँ, बस अवेयर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। नकल रहित परीक्षाओं के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए अग्रिम बधाई, यानी कि आपको बधाई भी दे दी गई है बोर्ड चेयरमैन की तरफ से, और हमारी बधाई भी आपने ले ली होगी, स्टार्टिंग में दी थी आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आज तो आप बधाई के पात्र हो गए हो, हर जगह से बधाई मिल रही है, चलिए अच्छी बात है। तो गाइज ये थी आज की अपडेट, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है भाई कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, मार्च के एंड से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है? और वो 20 अप्रैल वाली खबर है उसको भूल जाइए, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट हैं वो उसी के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपके पेरेंट्स को भी मैं बोल देता हूँ कि जो भी चाचा चाची ताऊ ताई देख रहे हैं वीडियो,
बच्चों को अब थोड़ा पढ़ने दीजिए, ठीक है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। मुझे पता है वैसे तो सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, लेकिन अब इनसे थोड़ा सा काम वाम जो करवाते थे आप लोग वो थोड़ा कम कर दीजिए। इनकी परीक्षाएँ आ चुकी हैं तो इन्हें पढ़ने दीजिए आराम से, ठीक है। हाँ, पढ़ने के बाद इनको खींच के लेना फिर। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। चलिए एक बार पूरी वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने की डेट आ गई है यहाँ पर मार्च के एंड से, ठीक है। फिक्स डेट अभी नहीं बताई है, वो तो डेट शीट के अंदर ही आएगी, और डेट शीट आएगी आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कब से स्टार्ट होंगे, तो इन्होंने बोला है मार्च का लास्ट वीक, मतलब कि 25 से 30 मार्च के बीच में किसी भी डेट से स्टार्ट हो सकते हैं, 26 से भी हो सकते हैं, 29 से भी, 28 से भी, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 26 मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो गाइज अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। आप सभी के एग्ज़ाम्स बिल्कुल अच्छे जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, बी पॉजिटिव नॉट इन कोविड बाय एटीट्यूड, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।